हो जाएगा सर।
आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए, तू भी आ गया था थोड़ी धूप में। अरे यार, यस सिंगरा, अच्छा आप भी आ जाओ। हां हां, ये फोटो ले ले, इधर फोटो ले ले, फोटो ले लो। हां एक फोटो ले ले, दे दो इनको। देखो क्या ले रहा है भाई, मेरे को तो क्यों शॉट लेना पड़ेगा। देख दादा, आई थिंक पता है तुझे मैं कि जाऊंगा तो फिर क्या होगा। नो करण, आप भी नीचे आ जाओ। हाय क्यूटी, पैक करो, पैक करो क्यूटी। दादा आप पीछे हो जाओ थोड़ा सा, अनुष्का जी लेफ्ट में, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। कोई आ ही नहीं रहा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। कालू कम हियर, मेरे को शूट कर लेंगे तो थोड़ा सा। चलो आई थिंक वी शुड मीडिया बाइट्स कर लेते हैं, मीडिया बाइट कर लेते। दो मिनट तो रुकिए, जल्दी निकलते है। ये तो देखो सूख गया मेरे पे। चला लवकर लवकर आम्हाला पण इधर आओ। जी तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज यहाँ आके, बिकॉज ये आई थिंक अब तक का सबसे बेस्ट वैलेंटाइंस वीक और वैलेंटाइंस डे रहा है। आई स्वेयर, बिकॉज सिंड्रा के साथ मैं पहली बार ऐसे डॉग कैफे में आई हूँ और वो भी बहुत खुश है, अभी देख ही सकते हैं कि वो कितनी एक्साइटेड है। एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट सो मेनी क्यूटीज, एंड रेडियो सिटी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्यार की दुम, एंड इट्स द मोस्ट अडोरेबल अमेजिंग वैलेंटाइंस डे एवर। ऑलरेडी कितना कुछ स्पेशल हो रहा है, जैसे ये मेरी नई दोस्त, उसको भी इंटरव्यू में आना है तो मैं कुछ नए दोस्तों से मिलूंगी, एंड जितने भी डॉग्स हैं उनके सबको मैं सबको ऐसे मैं हग करना चाहती हूँ, तो वो आज होगा, हम सब बहुत मस्ती करने वाले। यू नो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वांट टू आस्क यू, आपको बचपन से डॉग चाहिए था और आपका रिलेशनशिप क्या कैसा है विद योर पेट? सो शी इज 7 years old एंड शी हैज बीन विद मी सिंस शी वॉज 4 months old, तो शी इज़ माई फर्स्ट एवर पेट एंड मुझे बचपन से चाहिए था, बट आई हैव बीन वर्किंग एज यू ऑल नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई कुडंट गेट अ पेट फॉर अ वाइल बिकॉज आई वॉज लाइक ओ शी आई एम सो डिस्ट्रैक्टेड पहली बार इंटरव्यू में, क्योंकि आके जो हग्स कर रहे हैं मुझे सो गए, आई एम लाइक सो क्यूट, बट हाँ तो शी इज़ माई फर्स्ट एवर पेट दैट आई गॉट व्हेन आई वाज डूइंग बालवीर, सो या लॉन्ग जर्नी। और जब आप नहीं होते हो और यू नो मिस करती होगी आपको ड्यूरिंग योर शूट्स, या तो फिर तो जब आप वापस आते होगे इट मस्ट बी क्रेजी मिलन ना? इट इज़ द बेस्ट, लाइक वो सबसे एक्साइटेड होती है मुझे देखने के लिए, सो आई जस्ट लव हर, शी इज़ लाइक माई नंबर वन, यू नो आई एम सो ब्लेस्ड कि वो हमारे साथ है। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने घर वालों को कंपेयर करते हैं और डॉगी से ज़्यादा? आई मीन वो इतना अनकंडीशनली प्यार करते हैं ना, उनसे ज़्यादा बढ़ के कोई प्यार ही नहीं करता है, तो इट्स लाइक दे आर द बेस्ट। कभी झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं कहाँ। अच्छा जब भी नाराज़ होते हो तो क्या प्यार करने? जब मैं नाराज़ होती हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, वो हमेशा मेरे पास रहती है, आके बैठती है मेरे पास, एंड इट्स जस्ट उसको देख के ही जो सुकून होता है ना, सारी टेंशन भूल जाती हूँ मैं। सो आई थिंक एवरी डॉग, आई थिंक अभी मैं यहाँ की इतनी खुश हो गई ना, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड इतनी खुशी, द हैप्पीएस्ट। या वी आर एट ओ माई डॉग एंड आई हैव बीन टू दिस कैफे बिफोर एंड देर लवली पीपल, दे हैव ऑर्गेनाइज इट सो वेल कि आप आ सकते हो इस कैफे में, यू कैन मीट डॉग्स, एंड आई थिंक आप अभी कोई भी इफ़ यू आर अपसेट इफ़ यू आर सैड जस्ट यू नो कम टू डॉग कैफे, जस्ट मेक यू हैप्पी। यू नो अनुष्का जब भी
वायर काट दिया डूड, दैट गाय इज टीथिंग। उसे मेरे पे ट्राई किया फिर ये लीजिए ना, इनको एक एक है ना, एक से ना ले ले दो, हां इसको बोन दे दो ना। मेरी तो आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरे लिए तो सिमरा मेरी सिस्टर है, तो मेरे पे कोई भी कुछ भी अगर डिस्कशन भी हो रहा है तो वो आ जाएगी कि क्या डिस्कशन है, झगड़े मत करो, तो ऐसे आ जाते हो। और जेलस कितनी है जब दूसरों के साथ आप बॉन्डिंग करते हो? वो समझती है बट उसे पता है हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो मेरे लिए नंबर वन है, यू नो, सो नॉट अ जेलस टाइप। नो नो नो, नॉट अ जेलस टाइप, द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट बीइंग एवर। अभी क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वैलेंटाइन पे एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट बॉयफ्रेंड्स, या डू यू थिंक यू इन द फ्यूचर व्हेन यू हैव वन, आई डोंट नो इफ यू हैव वन, आई डोंट नो। अरे उनके पापा वही हैं, इट्स ओके गाइस, एवरीबॉडी नोस। तो अगर आपके बॉयफ्रेंड आएंगे तो जेलस होंगे इनके? हां, तब जेलस हो जाए, तब तो फिर यू बेटर वॉच आउट हूएवर इट इज फ्यूचर, दे बेटर बी अ डॉग लवर। या या या, ऑफ कोर्स दैट्स अ डील ब्रेकर, सॉरी यू नॉट अ डॉग लवर, प्लीज यू आर आउट, बाय 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 साहब। कालू जो टीथिंग की लड़की क्या है, पहली बार ऐसा हो रहा है, मीडिया वाले भी डर रहे हैं, वाह। क्या कुछ क्वालिटीज आप देखती हैं उस लड़के के लिए जो आपका वैलिडेट? यार आज के लिए मैं ये बात करूंगी, डॉग लवर होना चाहिए, दैट्स द नंबर वन, आज यही बात करेंगे हम, डॉग लवर होना चाहिए। आप लोग ने कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा, सिंड्रा बाजू में ही है। हां वो आ जाएगी, ये कालू भी मेरे साइड पे है, जैसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन वो आ गए कि भाई मैं टीथिंग कर रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा। कालू, कालू जी मीडिया वाले डर रहे हैं आपसे, यू नो, आई थिंक मुंबई कोई कोई मैसेज यार जो भी देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड को मैसेज देना चाहिए। सी आई वांट टू से वन थिंग इज दैट वैलेंटाइंस इज नॉट ओनली फॉर कपल्स, इट्स नॉट ओनली फॉर, यू नो, इट्स अ डे ऑफ लव, इट्स अ वीक ऑफ लव। So I am so glad all these friends are here with their pets who we love so so much, and I hope ki aapka Valentine's bahut hi pyara jaye. So lovely, and I want to add to that ki jo dogs love dete hain usse bada love to kuch hota hi nahi hai. It's the most unconditional, most pure love ever. Yeah. Ji. कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको कि वो जीते, एंड मैंने उतना फॉलो नहीं किया बट मैंने देखा कि वो जीत गए, तो आई वांट टू से ऑल द बेस्ट। 23 हस्बैंड स्टार्टेड, मेनी मोर सरप्राइजेस फ्रॉम अनुष्का से। यस, मेनी मोर सरप्राइजेस आर कमिंग ऑन द वे, आई एम सो एक्साइटेड टू डिस्कस अबाउट इट। फॉर नाउ आई कैन से दैट एशिया हैज बीन गोइंग ग्रेट, आपने ट्रेलर पे बहुत प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। So baby, I remember you. अरे मेरा उसके साथ कनेक्शन हो गया था, मैंने ऑलमोस्ट अडॉप्ट कर लिया था उसको, पता है। एक चुनचुन है और एक ये चुनचुन है यार, ये मुझे देखना है। फाइनली चली इमली, इमली, हाँ शी इज इमली, अरे इमली थी। Guys, one photo up and then we start with that. Because makeup problem नहीं है उसको। अरे मेरे कैमरा बाहर का गैलरी। नहीं नहीं, चुनचुन वो है, दैट हेरी मत। चल था पीछे हो जाना भाई, व्हाइट मिलेगा पूरा पीछे आ जाता है। सुन सुन आसिफ, रेडी है? या, कैसे कर रहे हैं?